हेलो दोस्तों, मैं माला चटर्जी जी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ भिंडी आलू बैंगन की सब्जी। देख लीजिए, बिल्कुल सादे तरीके से बना रही हूँ मैं, क्योंकि आज नवरात्र का ये चल रहा है, मौसम चल रहा है। नवरात्र में हम लोग ज़्यादातर सादा ही खाते हैं। ये 2 चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया हुआ है। अब इसमें मैंने पहले ये 5 फोड़न दे रही हूँ। इसमें 5 फोड़न मिला हुआ है, इसको दे रही हूँ पहले। तेल अभी तक गर्म नहीं हुआ है, इसके पहले ही मैंने दे दिया। और इसके बाद हींग दे रही हूँ, 1/2 चम्मच करीब हींग देगा। भिंडी में ज़्यादा हींग ही चलता है। ये मैं आलू दे रही हूँ। देखिए, आलू बैंगन और भिंडी को इस तरह से मैंने काट लिया है, लंबे लंबे साइज में काट लिया है। देखो, भिंडी भी इतना बड़ा काटा है मैंने, बड़े बड़े काट करके। इसको केवल कलछी में चलाना है बस। ये 2 हरी मिर्च दे रही हूँ। बैंगन भी दे दूंगी। अब थोड़ा भून जाए, इसके बाद में आ रही। अब मैं भिंडी को दे दूंगी। मिर्ची को मैं साथ ही रख रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में बच्ची है ना, वो देखी नहीं है ये भिंडी के है ये मिर्ची को। अब मैं पहले नमक दूंगी इसमें, 1/2 चम्मच करीब नमक जाएगा। थोड़ा भून लिया, उसके बाद में आ रही हूँ। जल्दी पाउडर जाएगा। अच्छा, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर जाएगा। धनिया पाउडर जाएगा। अब थोड़ा समय फ्राई करूंगी। ओके, ये देखिए 1 कप करीब कवर करके रख दूंगी बस। ये देखिए, एकदम इसको नीचे से थोड़ा सा, बस ज़्यादा इसको नहीं करना चाहिए। ज़्यादा आप इसमें कलछी चलाओगे तो देखें, मैं पहले हो गया कि नहीं। ये देखिए, सारा को हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा सूख जाए
मैं आ गई। ये देखिए दोस्तों हो गया है। अब मैं थोड़ा सा इसमें घी डालूंगी, एक चम्मच करीब घी डालूंगी। आप सोच रहे होंगे भिंडी में घी बहुत अच्छा लगता है, एक बार बना के खा के देखना। एक भी भिंडी देखो टूटी नहीं है मेरी, एक भी भिंडी नहीं टूटेगी। ओके, अब इसको मैं डिश आउट करूंगी और इसको रोटी पराठे चावल दाल चावल जिससे भी आप खा सकते हो खा सकते हो। पूरा ये एकदम बहुत ही अच्छा रेसिपी है। ओके, अब मैं डिश आउट कर रही हूँ, देख लीजिए। एक भी भिंडी टूटी नहीं है, इसको नहीं चलाना है बिल्कुल, एकदम जैसे ही मैंने पानी दिया है इसी पर बस, उसके बाद ही इसको इसी पानी में इसको छोड़ देना है, फिर ये अपने आप पक्के हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे से हिला करके बस हो गया। और ये देखिए आलू भिंडी बैंगन की बिल्कुल सूखी सब्जी, ये देखिए। ओके, आप घर में बनाइए, कैसा हुआ ये मुझे कमेंट्स करके बताइए। ओके, आलू बैंगन और भिंडी की सूखी सब्जी।